ओनली आईएएस पीसीएस चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। प्रश्न संख्या 61, सत्याग्रह सभा का गठन कब किया गया था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर सी मार्ले मिंटो एक्ट के समय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में। सवाल नंबर 62, जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है शंकरन नायर, ऑप्शन नंबर सी है गांधी जी और डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा किसने दे दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए शंकरन नायर, ऑप्शन नंबर बी गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी सीआरदास, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शंकरन नायर। 64, खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया था? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1920 और ऑप्शन नंबर डी 1922। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1919। सवाल नंबर 65, सैब्रिज की संधि की गई थी, इसके ऑप्शन है चार, ऑप्शन नंबर ए मई 1920, ऑप्शन नंबर बी जून 1920, ऑप्शन नंबर सी मई 1921, ऑप्शन नंबर डी जून 1921। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मई 1920। ये सैब्रिज की संधि के द्वारा जो तुर्की का विभाजन कर दिया गया था, इसी के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। सवाल नंबर 65, तिलक का निधन कब हुआ था? तो इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त 1919, ऑप्शन नंबर बी 2 अगस्त 1920, ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त 1919, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त 1920। इसी दिन से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ये भी आप याद रखना। सवाल नंबर 66, दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए विजय राघवाचारी, ऑप्शन नंबर बी तिलक, ऑप्शन नंबर सी नेहरू और ऑप्शन नंबर डी पटेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विजय राघवाचारी। सवाल नंबर 68, चौरी चौरा घटना कब और कहां पर हुई थी? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी गोरखपुर में 1922 में, 1 फरवरी मेरठ में 1922 में, 5 फरवरी मेरठ में 1922 में और 1 फरवरी गोरखपुर में 1922 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी गोरखपुर में 1922 में। सवाल नंबर 69, कांग्रेस की कार्य समिति की किस बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो इसका सही जवाब है बारदौली 1922। सवाल नंबर 70, दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सीआरदास, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी अजमल खान, ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सीआरदास।